देखिए लाइफ मतलब इतना छोटी छोटी चीज़ें मुझे इसके प्रोसेस के थ्रू ही समझ में आई हैं कि लाइफ बहुत छोटी है और उसमें बहुत सारा हमें करना है, तो टाइम बहुत कम है. तो जितना भी टाइम हमारे पास हर दिन 24 घंटे, क्योंकि सबको मिलते हैं, सबको, जो इंसान देश को हेड कर रहे हैं उनको भी उतना ही वक्त मिल रहा है, जो हम हैं जो कुछ नहीं कर रहे थे अभी तक उनको भी उतना ही टाइम मिलता है. तो उस वक्त, वो वक्त बहुत ज़रूरी है. और जब आप मिशन डिसाइड कर चुके हैं, तो जैसा मैंने कहा, नहा धो के अपने गोल के पीछे पड़ जाना है, एक सिंगल माइंडेड फोकस रखना है, क्योंकि लाइफ में और भी चीज़ें ज़रूरी हैं. ऐसा नहीं बस मिशन इंपॉर्टेंट है, गोल इंपॉर्टेंट है, और भी चीज़ें हैं. हमारी पर्सनल लाइफ होती है, हमारा एंटरटेनमेंट होता है, वो भी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है. हमारी हेल्थ है, उन सब के लिए भी समय निकल सके, इसलिए स्क्वीज आउट करके अपने गोल की तरफ भी हमें बढ़ना है और हाथ धो के पढ़ना है और बोलना है कि अगर ये टाइम लिमिट मैंने अपने आप के लिए सेट किया है तो मैं इतने में करके रहूँगा या रहूँगी. एक डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए और वो डिटर्मिनेशन धीरे धीरे आए. पैशन लाइए थोड़ा सा. अब सिविल सर्विस में पैशनेट होना थोड़ा आसान है, क्योंकि द नेचर ऑफ जॉब जो आप करते हैं, जो आप कर पाएंगे, वो ऐसी है कि आप एक अपनी छोटी सी, यू नो, 2x2 सेंटीमीटर की सिग्नेचर से किसी एक गांव की कोई बहुत बूढ़ी औरत है जिनको आज तक पेंशन नहीं मिली है ना, उनकी पेंशन आप लाइफ टाइम सैंक्शन कर सकते हैं आपकी एक छोटी सी सिग्नेचर से. तो एक ये जो एक मोटिवेशन मिलता है, ये इमेंस है. तो हमेशा जब मैं पेपर पढ़ती थी, और सिविल सर्विस के लिए पेपर पढ़ना पड़ता है, वी कम टू दैट, हाउ मच न्यूज़पेपर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस. दे यू कीप रीडिंग सच फैक्ट्स कि आज कितना हुआ. फिर आपको पता है कि मध्य प्रदेश इज द स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है इन द एंटायर कंट्री. सबसे ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं हु आर मैलरिस्ड, हु आर इधर स्टंटेड और वेस्टेड, है ना. द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज द मोस्ट इन आर स्टेट. इसके अलावा चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा है, और भी सोशल इवेंट्स हैं. तो इनके बारे में जब मैं पढ़ती थी तो लगता था यार, क्यों, क्या मैं नहीं ऐसा कुछ कर सकती कि इनके लाइफ में कोई चेंज ला पाऊँ. और मेरे क्लोज इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसे मेरे घर पे आंटी काम करती हैं, उनकी एक बेटी है, उसका 16 इयर्स में शी गॉट हर मैरिड. नाउ दिस इज समथिंग, कोई बहुत यूनिक चीज़ तो नहीं कह रही हूँ, यू माइट हैव हर्ड, कभी आपने सुना होगा कि 16 इयर्स में मैरिज हो गई. मैंने सोचा है मैं 19 इयर्स की हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा ऐसा कुछ, पर वो क्यों है. तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्यों आप ऐसे किया, आपने ऐसा किया. बोलती, शी इज़ नॉट सेफ इन दिस लोकैलिटी, शी इज़ नॉट सेफ, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर, आई हैव 4 other kids टू टेक केयर ऑफ. मैंने सोचा अपन केवल बोलते रह जाते हैं चाइल्ड मैरिज नहीं, चाइल्ड मैरिज नहीं, उसके पीछे क्या है, क्या हम वो सोच रहे हैं और क्या हम उस पर कुछ कर सकते हैं. तो ऐसी कुछ चीज़ें दिमाग में आती थी जब हम ट्रैवल करते हैं और ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं और कुछ बच्चे बड़ा सा